सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये टैली का अपग्रेड वर्जन है 6.5। इसमें डिस्कस किया जाएगा कैसे हम किसी आइटम पे बैच नंबर लगाते हैं, एक्सपायरी डेट कैसे सेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे सेट करते हैं, और यदि मेडिकल शॉप है आपके पास, ठीक है, तो आइटम अगर बिल बना रहे हो कंप्यूटराइज मैनर से, उस केस में आपको चेक करना होता है कि कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाला है, तो उसको आप मेंटेन कैसे करोगे, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इन्वेंटरी इन्फो पे जाएंगे और स्टॉक आइटम पे जाकर के क्रिएट करेंगे एक आइटम का नाम। हमने दे दिया जेनफ्लॉक्स OZ, एक टैबलेट का नाम दे दिया हमने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया मेडिसिन, बना दिया इसका, ये देख सकते हैं आप मेडिसिन टैबलेट, और नंबर ऑफ सीरीज में रखेंगे हम। यहाँ पे मेंटेन बैच, इसको यस कर लिया हमने, इसको यस किया, यूज एक्सपायरी डेट, हाँ यस कर लिया, और सेट स्टैंडर्ड रेट सेट कर लिया हमने। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट अगर सेट करना चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने रख लिया कि ये ख़रीदा गया, इसका जो मूल्य है वो 4.50 रुपये सपोज दैट, ठीक है, और इसको हमें बेचना है कितने में, हमें बेचना है इसको 6 रुपये में। यहाँ पे GST अप्लीकेबल कर लेंगे, अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, बैच नंबर दे देंगे, यहाँ पे टैक्स सिविल करके यहाँ पे एक टैक्स लगा देते 12%, और यहाँ पे गुड्स किया, और ये हमने हमारे पास स्टॉक में कितना है 1000। यहाँ पे बैच नंबर लगाना होगा, ठीक है, बैच नंबर क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया कोई नंबर। मैन्युफैक्चरिंग डेट के लिए पूछ रहा है तो हमने दे दिया 1/4/2018। यानी देखिए हमारे पास जो कंपनी है ये एजुकेशन मोड है, तो एजुकेशन मोड में 1/4/2018 यानी अप्रैल से शुरू होगा, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 1/4/2020 इसका एक्सपायरी डेट हम सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हमने सेव किया, यहाँ पे सेव करने के बाद इसको हमें बेचना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, एंटर किया, प्रेस करेंगे F8, और हमने सेलेक्ट किया लोकल सेल, बिल नंबर दिया हमने, पार्टी का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया, एक है जियान, ये कंट्रोल इंटर करेंगे। देखिए जो लेज़र ऑलरेडी बना हो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना हो तो कंट्रोल इंटर करेंगे तो वहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर कर लीजिएगा, सेव करिए। इसके बाद जो आइटम है आइटम को सेलेक्ट करिए, बैच नंबर ऑलरेडी दिख रहा होगा नीचे, कितना क्वांटिटी बेचना 100, सेव करिए। देखिए ऑटोमेटिक आ गया ये पूरा, यानी बता रहा है कि ये 100 पीस हमने जो बेचा है, ठीक है ना, 100 नंबर टोटल। देखो इसको जो आइटम मेडिसिन होता है उसको फाइल्स भी बोलते हैं, PH इसका सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है, नंबर भी लगा सकते हैं और पीस भी लगा सकते हैं, मोस्टली PH लगाया जाता है। तो इसका जो 600 का हमने बेचा, 36% 36-36 रुपये टैक्स कट गया, यानी 672 रुपये टोटल आया। इसको सेव कर लीजिएगा, सेव करने के बाद क्या होगा, इसका रिपोर्ट कैसे देखोगे वो चीज़ देखो, इम्पोर्टेंट, इसको यस कर लो, अल्ट के साथ जेड करो, ये ध्यान दो, जो आइटम होगा आइटम का पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि ये जो जेनफ्लॉक्स है इसका बैच कोड क्या है। इसके बाद इसका रिपोर्ट कैसे देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिपोर्ट में हमें देखना पड़ेगा ना कि कौन सा आइटम अभी एक्सपायर होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, सॉरी इन्वेंटरी बुक्स में जाएंगे, ये रहा इन्वेंटरी बुक्स, यहाँ लिखा है बैच, बैच पे क्लिक करेंगे और हमें सेलेक्ट करना होगा जो आइटम होगा ना, आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर कौन सा बैच जो पूछ रहा है इंटर करिएगा, आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये पता चल जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से बैठ जाते हैं, बैच नंबर पर गए, जेनफ्लॉक्स लिया, तो ये बता रहा है कि जेनफ्लॉक्स का जो एक्सपायरी है 2020 तक, ठीक है। तो इस आइडिया से हम अपना काम करते हैं, ओके, यानी आपके आपका बॉस है आपसे पूछ लिया, ठीक है ये बताओ कि कौन कौन सा सामान इस महीने एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, एक्सपायरी डेट, तो उसको आप देख सकते हो। ऑल्ट के साथ पी करो, इसको प्रिंट करना चाहते हो बैक स्पेस इस्तेमाल करो, इसमें क्या क्या शो कराना चाहते हो वो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन कर लो, ठीक है। इसके बाद इसको सेव करो, ऑल्ट के साथ जेड करो, देखो ये पूरा बैच करके आ जाएगा, ठीक है ना, ये बहुत एक अच्छा काम हो जाता है। यहाँ पे ये पूरा डिटेल आ जाता है कि आपके स्टॉक में कितना था, कितना बचा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैच नंबर लगा लेते हैं। ये रहा वीडियो का इन, आपको ये सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के।